शाहरुख खान और उनका परिवार इस समय मुश्किलों के दौर से गुजर रहा है और ऐसे में पूरे बॉलीवुड में हंगामा मचा हुआ है। और एक तरफ तो बॉलीवुड से जुड़ी कई बड़ी हस्तियां आर्यन खान के सपोर्ट में सामने नजर आ रही है और वो सभी आर्यन खान को सपोर्ट करते हुए अपने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर रही है। और वहीं खबरों की माने तो आज शाहरुख खान और गौरी खान ने जेल में मौजूद अपने बेटे आर्यन खान से वीडियो कॉल पर बात की और आर्यन खान भावुक हो उठे और रो पड़े। खबरों के मुताबिक शाहरुख खान और गौरी खान पूरी तरीके से टूट चुके हैं और गौरी खान ने बताया कि उनको ये नहीं लगा था कि ये सब इतना लंबा चलने वाला है और ऐसे में अब उनकी उम्मीदें खत्म होती जा रही हैं। और वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड के एक और सेलिब्रिटी आज शाहरुख खान के सपोर्ट में सामने नजर आए हैं। फिल्म मेकर हसल मेहता ने आज अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए एक ट्वीट किया। अपने इस ट्वीट में हसल ने लिखा कि गांजा भांग लेना कई देश में लीगल है, कई जगहों पर इसे अपराध नहीं माना जाता और हमारे देश में इसे नारकोटिक्स कंट्रोल से ज्यादा हरासमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और जैसे सेक्शन 377 को हटाने के लिए आंदोलन चलाया गया था, वैसे ही इस नौटंकी को खत्म करने के लिए भी आंदोलन चलाना चाहिए। और हसल मेहता के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है।